हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद सर और मैं आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 का पार्ट टू हम लोग शुरू करने वाले, यानी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो प्रीवियस वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 से रिलेटेड था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया हुआ था और हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो आप लोग जाकर विजिट करके इन सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो और साथ ही साथ में चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के एक शॉर्ट इंट्रो के बाद में हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 का ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए, रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक कब होगा भाई, जब उसके ऑपोजिट एंगल क्या होगा भाई, वो सप्लीमेंट्री होगा। ओके, तो यहां पर तो आप देखिए रेक्टेंगल है तो इसके सभी एंगल 90 डिग्री के। अगर ऑपोजिट एंगल को आप लोग प्लस करोगे तो क्या आएगा भाई, 180 डिग्री आएगा। अगर ऐसा होता है तो आप लोग कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से आप लोग बोल सकते हो कि अगर ऑपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। ओके, तो आपको बोला गया कि इसको प्रूफ करके बताओ कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सो हम लोग यहां पर गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा भाई इसका गिवन, गिवन में आप लोग क्या लिखोगे, गिवन में क्या दिया गया है, सिर्फ इतना ही दिया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर गिवन में सिर्फ ये लिखेंगे, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है वो क्या है भाई, वो एक रेक्टेंगल है। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ये आप लोग गिवन में इसको लिखोगे। और नेक्स्ट वन, इसके अलावा और कुछ गिवन में आएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट, टू प्रूव, क्या हमें टू प्रूव करना है वो लिख लेते हैं हम लोग। टू प्रूव, क्या हमें टू प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो मैं लिखूंगा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। यस, नेक्स्ट वन, अब हम लोग प्रूफ, सो प्रूफ शुरू करेंगे। आपको जो गिवन में जो दिया गया, गिवन में कहा गया है कि भाई ये रेक्टेंगल है, तो हम लोग उसी से शुरू कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है भाई, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ओके, ये आपको देकर रखा है, ये आपको गिवन में दिया गया है। अगर रेक्टेंगल है, ओके, तो इस रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सभी एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, हमें तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होता है, जब उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करके देखते हैं ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री आता है कि नहीं। ऑफकोर्स आएगा, रेक्टेंगल है तो। सो अभी हम लोग बोलेंगे नाउ, नाउ मैं बोलूंगा ओके, कौन सा ऑपोजिट एंगल को प्लस करना है, ए और सी। नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी, ओके, एंगल ए और एंगल सी कितना है भाई, एंगल ए 90 है और एंगल सी भी क्या है, 90 है। तो यहाँ पर 90 प्लस 90 करने पे क्या आ रहा है, 180 डिग्री। ओके, ऑल्सो एंगल बी और एंगल डी को भी प्लस कर लो, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90, अगेन क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, हियर द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी रहेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा आपका ये प्रूफ था। सो हम लोग लिखेंगे हियर दी, यस, दी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर, क्या है भाई ऑपोजिट एंगल, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या है, सप्लीमेंट्री। ओके,
अगर ऐसा है, हमने क्या लिखा, हियर द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर सप्लीमेंट्री। अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ये क्या हो जाएगा, इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्या है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इधर आप लोग रीजन में दे देना, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। क्या आएगा भाई इसके लिए रीजन, क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, क्योंकि कन्वर्स में कहता है अगर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा भाई, साइक्लिक हो जाएगा। ओके, तो ये आपने यहाँ पे स्टेटमेंट बता दिया बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ओके, इसलिए एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, साइक्लिक है, बस इतना ऐसा ही करना है, बहुत ही सिंपल सा है। आई होप आप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। जल्दी से जल्दी एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और फिर अभी हम लोग सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्या दिया गया इस 6th क्वेश्चन में, कहा गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एल्टीट्यूड वाई जेड एंड एक्स टी ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई। देखिए ये एक ट्रायंगल है डब्ल्यू एक्स वाई, इसमें दो एल्टीट्यूड बनाया गया, एक एल्टीट्यूड है एक्स टी और एक है एल्टीट्यूड वाई जेड। ओके, सो बोला गया है कि ये दो एल्टीट्यूड है इसके अंदर, और दोनों एल्टीट्यूड कहां पर आके मिल रहे भाई, पॉइंट पी पर आकर मिल रहे। ओके, देख सकते दोनों एल्टीट्यूड पॉइंट पी से पास हो रहा है। आगे आपको बोला है प्रूव दैट हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल है डब्ल्यू जेड पी टी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, देखो ये चार साइड का क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक होना चाहिए। ये साइक्लिक कब होगा भाई, जब साइक्लिक कब होगा, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई इस क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट एंगल्स है ना, वो सप्लीमेंट्री है। ओके, क्योंकि कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम कहता है क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होता है, जब उसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई, सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, तो हमें यही बताना है भाई, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, तो इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका जो एंगल है ना, कौन सा एंगल, देखो ये क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी जेड पी टी, डब्ल्यू जेड पी टी ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट एंगल है कौन कौन सा एंगल, आप ये प्रूफ कर देना कि एंगल जेड और जो एंगल टी है, एंगल जेड और ये जो एंगल टी है, ये 180 डिग्री। ओके, फिर हम लोग बोल सकते हैं हियर द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, और देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ये जो क्वाड्रिलेटरल है भाई, ये साइक्लिक हो जाएगा। ओके, इस तरह से इसको प्रूफ करना है। चलिए हम लोग सबसे पहला वाला प्रूफ हम लोग करने के लिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखोगे प्रूफ प्रूफ। ओके, यस, गिवन क्या लिखोगे, जो गिवन दिया गया वही आप लोग लिख लोगे, इन ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई एक्स टी एंड वाई जेड आर द एल्टीट्यूड पासिंग थ्रू पॉइंट पी, इस तरह से आप लोग लिख लोगे। ओके, और ये प्रूव डैट तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है। सो सबसे पहला प्रूफ में हमें तो ये क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करना है। ओके, सो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, हम लोग कंसिडर करेंगे एक्स टी जो है वो परपेंडिकुलर है डब्ल्यू आई से, और वाई जेड है वो परपेंडिकुलर है किससे, डब्ल्यू एक्स से। ओके, ये आपको देकर रखा है, गिवन में दिया गया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स टी इज परपेंडिकुलर टू, किसको परपेंडिकुलर है, डब्ल्यू वाई को। ओके, और दूसरा और क्या दिया गया है, वाई जेड, वाई जेड किसको परपेंडिकुलर है, डब्ल्यू एक्स को, तो वाई जेड जो है परपेंडिकुलर है डब्ल्यू एक्स को। ये दोनों के लिए आप लोग बोल दोगे कि गिवन से मिला है। ओके, अगर ऐसा है, ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो एंगल एक्स टी डब्ल्यू है और वाई जेड डब्ल्यू है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री का होगा। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देयरफॉर यहाँ पे जो एंगल मिलेगा, एंगल एक्स टी डब्ल्यू, ओके, वो भी 90 डिग्री का रहेगा, और उसी प्रकार सेम वे में एक्स टी डब्ल्यू 90 का रहेगा, और वाई जेड डब्ल्यू, ओके, वाई जेड डब्ल्यू ये भी क्या रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। क्यों भाई, क्यों 90 डिग्री का लिखा, क्योंकि एक्स टी क्या है भाई, परपेंडिकुलर है ना डब्ल्यू आई को, इसलिए वो 90 डिग्री का है। यस, अब दैट इज करके मैं बोलूंगा, देखो एक्स टी का मतलब हम लोग यहां से भी बोल सकते हैं, एक्स टी डब्ल्यू बोल सकते हो, या फिर पी टी डब्ल्यू भी बोल सकते हो। ओके, तो मैं यहां पर एक्स टी डब्ल्यू को मैं क्या कर दूंगा, पी टी डब्ल्यू बना लूंगा, दैट इज मैं बोलूंगा एंगल एक्स टी डब्ल्यू को मैं दैट इज करके लिख सकता हूँ, पी टी डब्ल्यू इज 90 डिग्री, और इन द सेम वे वाई जेड डब्ल्यू को मैं पी जेड डब्ल्यू बता दूंगा। ओके, पी जेड डब्ल्यू बता दूंगा,
90 डिग्री। क्यों ऐसा मैंने लिखा? क्योंकि हमें ये क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करना है, डब्ल्यू जेड पी टी वो साइक्लिक आना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इन दोनों एंगल को जोड़ता हूँ, प्लस कर लेता हूँ और इक्वल्स टू 180 डिग्री ला देता हूँ। ओके, सो मैं क्या बोलूंगा, नाउ इन दोनों एंगल को प्लस कर लो भाई। एंगल का नाम क्या है? पी टी डब्ल्यू प्लस एंगल पी जेड डब्ल्यू। क्या आएगा? 90 प्लस 90 क्या आ रहा है भाई? 180 डिग्री आ रहा है। मतलब ये दोनों एंगल का सम क्या आ रहा है भाई? 180 डिग्री आ रहा है। कौन सी दो एंगल का? पी टी डब्ल्यू और पी जेड डब्ल्यू। ओके, अब ये 180 आ गया, तो अब क्या बोलोगे? बट दिस एंगल्स आर दी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ओके, बट एंगल Z एंड एंगल T, देखो ये T और ये W है, इसको थ्री लेटर में लिखा है, बट एंगल T एंड एंगल W आर दी, क्या लिखूंगा, बट एंगल T एंड एंगल Z, T और Z है ना, बट एंगल T एंड एंगल Z आर दी पेयर्स ऑफ, आर दी पेयर्स ऑफ, एंगल T एंड एंगल Z आर दी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट angles of quadrilateral WZPT। क्या लिखा हमने? ये जो angle T है और ये angle Z है, ये angle T और angle Z, ये दोनों क्या है? pairs है, opposite angles of quadrilateral WZPT का। ओके, इस quadrilateral का ये क्या है? opposite angles के pairs है। ओके, और ये supplementary है। ओके, तो हम लोग ने क्या लिखा? but एंगल टी एंड एंगल जेड, एंगल टी मतलब कौन सा? पी टी डब्ल्यू, और एंगल जेड मतलब पी जेड डब्ल्यू। ओके, ये दोनों एंगल का सम क्या? तो 180 डिग्री आ गया। तो हमने बोला कि बट ये एंगल टी और एंगल जेड क्या है? ये दोनों पेयर से ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी, और ये सप्लीमेंट्री है। ओके, सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर मैं यहां पर लिखूंगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का? क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके लिए आपको रीजन क्या बताना पड़ेगा? बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ओके, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहता है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो यहां पर आपको डॉट डॉट करके आपको रीजन बताना पड़ेगा कि ये जो है कन्वर्स है। ओके, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस, इस तरह से कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये हो गया। ओके, पार्ट वन आपका प्रूफ हो चुका। अब आपको नंबर टू क्या करना है? पॉइंट एक्स जेड टी वाई, देखो एक्स जेड टी वाई कौन साइक्लिक। ओके, आप याद करो, मैंने आपको जब बेसिक सिखा रहा था, समझा रहा था, तो उसमें मैंने एक स्टेटमेंट आपको बताया था कि टू पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, मतलब दो पॉइंट से पॉइंट A और B, ओके, इफ टू पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबस्टेंड इक्वल एंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू, ओके, दो एंगल बन रहा है दो अलग अलग पॉइंट पर। ओके, मान लो कि पॉइंट C और पॉइंट D, दो अलग अलग एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल एंगल ए सी बी, एक कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ए सी बी, ओके, और एक दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ए डी बी। सो हमने पढ़ा था इफ टू पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, दो पॉइंट्स से लाइन के ऊपर और इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू, ओके, दो अलग अलग एंगल फॉर्म हो रहा है एट टू डिफरेंट पॉइंट पे, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, और ये दोनों एंगल का मेजर सेम है, अगर ये दोनों एंगल का मेजर सेम है, ओके, ये एंगल का मेजर और ये एंगल का मेजर सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? ये जो चार पॉइंट दिख रहा है ना, ए बी, ये सी और डी, ये चारों पॉइंट क्या हो जाएगा? कौन साइक्लिक हो जाएगा। तो आपको यही बोला गया है, यहाँ पर जो चार पॉइंट दिख रहे हैं एक्स जेड टी वाई, ये कौन साइक्लिक बताने के लिए कहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पहला प्रूफ करेंगे कि भाई ये ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पर, इस फिगर को भी जान दो, ये इसको हटा देता हूँ, इस फिगर में हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करेंगे एंगल एक्स जेड वाई और एंगल एक्स टी वाई दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और दिख भी रहा है दोनों क्या है भाई, 90 डिग्री का है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग को प्रॉपर्टी लगा देंगे। ओके, वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था, कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा था? इफ टू पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, ओके,
दो पॉइंट्स है इस लाइन पे और इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू दो एंगल फॉर्म हो रहा है एट टू डिफरेंट पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है और ये दोनों एंगल क्या हो रहा है भाई, कॉन्ग्रेंट हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो चार पॉइंट रहेगा ये कॉनसाइक्लिक हो जाएगा। ओके चलो, सो अभी हम लोग यहाँ पर आगे सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला पार्ट शुरू हो रहा है। ओके सो हम लोग यहाँ पर अभी सेकेंड वाले पार्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे भाई, एंगल एक्स जेड वाई ओके और एंगल एक्स टी वाई, ये दोनों क्या है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। ओके सो सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पर एंगल एक्स जेड वाई इज 90 डिग्री। ओके ये तो आपको गिवन में ही देकर रखा है, और एंगल एक्स टी वाई ये भी क्या है 90 डिग्री, ये तो आपको गिवन में दिया है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा गिवन। ओके ये हो गया आपका गिवन में। अब देखिए एंगल एक्स जेड वाई 90 डिग्री का, एंगल एक्स टी वाई भी 90 डिग्री का, तो इसका मतलब दोनों एंगल का मेजर सेम है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा देयर फोर एंगल एक्स जेड वाई वो इक्वल हो जाएगा किससे, एंगल एक्स टी वाई से। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गया। ओके हमें सिर्फ इन दोनों एंगल को कॉन्ग्रेंट बताना था, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट कहता है, देखो क्या कहता है स्टेटमेंट, इफ टू पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबस्टेंड टू इक्वल एंगल। ओके दो इक्वल एंगल को सबस्टेंड करेगा और ये दोनों एंगल सेम साइड ऑफ द लाइन पे रहेगा, तो जो फोर पॉइंट्स रहेगा उसको हम लोग कॉनसाइक्लिक बता देंगे। ओके तो हम लोग क्या बोलेंगे, बट एंगल एक्स जेड वाई, अब इसको हमें स्टेटमेंट पूरा स्टेटमेंट तो हम नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस में बना देंगे। अभी हम लोग क्या बोलेंगे, बट एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई एंड एंगल एक्स टी वाई सबस्टेंडेड, ये दोनों एंगल को, बट एंगल एक्स जेड वाई एंड एंगल एक्स टी वाई आर सबस्टेंडेड बाय पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स के थ्रू इन दोनों एंगल को सबस्टेंड किया है, सबस्टेंडेड बाय पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑन सेम साइड ऑफ सेगमेंट एक्स वाई। ओके ये दोनों एक्स वाई के, ये जो सेगमेंट एक्स वाई के सेम साइड में, ओके एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स टी वाई को सबस्टेंडेड किया है, एंड आर इक्वल क्या लिखूंगा, एंड आर इक्वल। ओके अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ पे जो क्वाड्रिलैटरल नहीं, देयरफॉर हम लोग का पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स है, एक्स कॉमा जेड कॉमा टी कॉमा वाई, ये क्या हो जाएगा भाई कॉनसाइक्लिक हो जाएगा, आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। ओके इस तरह से देखो फिर से एक बार समझाता हूं, हमें क्या करना था, हमें बताना था कि भाई ये दोनों एंगल का मेजर सेम है। अगर हम ये बता दिए ये दोनों एंगल एक्स जेड वाई और एंगल एक्स टी वाई दोनों एंगल का मेजर सेम है, तो उसके बाद हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट बनाकर लिखना है, हमें बताना है कि क्या बताना है, एंगल एक्स जेड वाई और एंगल एक्स टी वाई ये दोनों एंगल को कौन से पॉइंट सब्सटेंड कर रहे भाई, एक्स एंड वाई सब्सटेंड कर रहे। ओके ये दोनों एंगल को कौन से पॉइंट सब्सटेंड कर रहे, एक्स एंड वाई। ओके ऐसा हो रहा है और बोल रहे हैं कि ये दोनों जो एंगल है ना, ये दोनों एंगल ये सेम साइड ऑफ दिस लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं। ओके तो हमने वही लिखा है, बट एंगल एक्स जेड वाई यहाँ पर क्या लिखा, एक्स जेड वाई एंड एंगल एक्स टी वाई आर सब्सटेंडेड बाय पॉइंट्स एक्स एंड वाई एंड सेम साइड ऑफ सेगमेंट एक्स वाई, मतलब वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है भाई, कहाँ पे सब्सटेंडेड हो रहा है, सेम साइड ऑफ सेगमेंट एक्स एंड वाई के। ओके और बाद में बोल रहे हैं कि ये इक्वल भी है, करके लिए पॉइंट क्या हो गया भाई, कॉनसाइक्लिक हो गया। ओके बहुत ही सिंपल सा है। ओके आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोग जल्द से जल्द एक पढ़ाउट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन की तरफ में। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, इन द एडजॉइनिंग फिगर मेजर ऑफ आर्क NS इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। देखो आर्क NS कहां पर है, यहां पर है। ओके सो इस आर्क का जो मेजर है बच्चों वो 125 डिग्री आपको देकर रखा है। ओके सो इसका 125 डिग्री है मेजर, और आपको क्या दिया है मेजर ऑफ आर्क EF, ओके वो है 37 डिग्री, तो ये आर्क है EF 37 डिग्री का। आपको बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल NMS, ओके
याद करो आपको जब मैं बेसिक समझा रहा था तो उसके अंदर आपने लास्ट वाला जो सबसे बेसिक सीखा था, जिसमें कि हमने सीखा था जब दो कॉर्ड इंटरनली और एक्सटर्नली इंटरसेक्ट होता है तो उसके अंदर जो एंगल फॉर्म होते हैं उसके मेजर कैसे ढूंढे जाते हैं। ओके, अब ये यहां पर देख सकते हो कॉर्ड EN और ये कॉर्ड FS, ये दोनों कॉर्ड एक्सटर्नली पॉइंट M पर आकर मिल रहा है। ओके, और आपको बोला गया एंगल NMS का मेजर बताओ, तो उस टाइम पे हमने एक एंगल NMS फाइंड आउट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला तैयार किया था। ओके, फॉर्मूला क्या था, मान लीजिए यहां पर एंगल NMS फाइंड आउट करना है तो आपका फॉर्मूला क्या था, यहां पर कॉर्ड क्या हो रहा है एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसमें फॉर्मूला में क्या था इज इक्वल्स टू एंगल NMS इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क NS माइनस मेजर ऑफ आर्क EF कर देते। ओके, यस, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत छोटा सा सम है, एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। सो इसमें डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, गिवन टू फाइंड, अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख ही सकते हैं यहाँ पर जो गिवन दिया गया और टू फाइंड दिया गया। ओके, सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि कॉर्ड EN एंड कॉर्ड FS इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट M। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे कॉर्ड, कॉर्ड का नाम क्या है EN एंड कॉर्ड FS इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली में, तो हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, M पर, एट पॉइंट M। ओके, सो आपने क्या लिखा, कॉर्ड EN और कॉर्ड FS इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को एक्सटर्नली एट पॉइंट M पर, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल NMS क्या आएगा इसका मेजर, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल NMS इसका मेजर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, NMS इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा हाफ ऑफ, ओके, मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क NS, पहले इस आर्क का जो बड़े वाले आर्क है ना उसको लिखना पड़ेगा, मेजर ऑफ आर्क NS, फिर माइनस, अब छोटे वाले आर्क, मेजर ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, माइनस मेजर ऑफ आर्क EF, इस तरह से आपको लिखना है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है। ओके, सो ये फॉर्मूला तैयार किया था हमने जब दो कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते एक दूसरे के लिए। सो यहां पर देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप, मेजर ऑफ एंगल NMS इज इक्वल्स टू, ओके, ये हाफ हैजर्डस रहने दो यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट मेजर ऑफ आर्क NS, इस आर्क का मेजर दिया गया NS का कितना है 125, तो यहाँ पे 125 लिखना, माइनस EF कितना है भाई 37। ओके, यस, दोनों को माइनस कर लो, 125 में से 37 निकाल दो, 15 में से 7 गया तो 8, 7 में से 3 गया तो अगेन 8, ओके, तो 88 आ जाएगा यहाँ पर, सो देयरफॉर ये हाफ ऑफ 88 लिखना है, मेजर ऑफ एंगल NMS इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच रहा है, हाफ बच रहा है, और इसको आप जब माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 88, ओके, आप खुद करके देख सकते हो। अब 88 को डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 बन जाए, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 44, तो फाइनली मुझे आंसर मिल गया मेजर ऑफ एंगल NMS क्या आएगा भाई, NMS का मेजर 44 डिग्री। ओके, बस आपको इतना ही करना है, ये आपको 2 से 3 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आ जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था, आई होप आप सबको समझ में आ चुका है, यहाँ पर दो कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, फटाफट आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और फिर अभी हम लोग सीधा चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, इन द एडजॉइनिंग फिगर कॉर्ड AC एंड कॉर्ड D इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। देखो यहाँ पर कॉर्ड AC और कॉर्ड D इंटरसेक्ट हो रहा है, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एक्सटर्नली या इंटरनली, ये इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, सो आगे बोला है इफ एंगल AB इज 108 डिग्री, ये जो एंगल ABE है इसका मेजर 108 डिग्री दिया गया है, और आर्क AE का मेजर है 95 डिग्री, ये जो आर्क है ना AE, इस आर्क का मेजर है 95 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ आर्क DC, आपको ये आर्क डीसी का मेजर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप याद कीजिए आपने जब बेसिक सीखा था जब दो कॉर्ड इंटरसेक्ट होते इंटरनली में, ओके, तो वहां पर हम लोग किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, इसमें भी गिवन लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, आपको ये आर्क डीसी का मेजर निकालना है। ओके, सो हम लोग यहां पर लिखेंगे सबसे पहले कॉर्ड AC एंड कॉर्ड D इंटरसेक्ट
ईच अदर इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट बी ओके एट पॉइंट बी देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप. आपको आपको फॉर्मूला पता है जब दो कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट होता है तो हम लोग बोल सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ए बी ई या फिर मेजर ऑफ एंगल डी बी सी ओके कोई भी. तो हम लोग को ए बी ई दिया गया तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए बी ई इज इक्वल होगा क्या आएगा इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए प्लस हाफ ऑफ जब इंटरनली होता है तो यहाँ पे प्लस साइन देना पड़ता है हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए प्लस मेजर ऑफ आर्क क्या नाम आएगा यहाँ पे डी सी ये हो जाएगा आपका कंप्लीट. ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया मेजर ऑफ एंगल ए बी ई इक्वल्स टू क्या आएगा हाफ ऑफ ये मेजर ऑफ आर्क ए प्लस करना है मेजर ऑफ आर्क डी सी के साथ ओके प्लस साइन देना है यहाँ पे जब इंटरनली आएगा और एक्सटर्नली आएगा तो वहां पे माइनस साइन देना है आपको यस. तो आपको एंगल ए बी ई का मेजर दिया गया है एंगल ए बी ई का मेजर क्या दिया गया है यहाँ पर 108 डिग्री तो यहाँ पे हम लोग 108 लिख देंगे और फिर आगे इज इक्वल्स टू ये हाफ है तो ये हाफ लगा देंगे मेजर ऑफ आर्क ए मेजर ऑफ आर्क ए पता है आपको क्या दिया गया है 95 तो यहाँ पर मैं 95 लिख दूंगा ओके फिर प्लस हमें ये आर्क का मेजर ढूंढना है तो इसको एज इट इज लिख देना मेजर ऑफ आर्क डी सी ओके ये हो गया आपका कंप्लीट. नेक्स्ट स्टेप में एक काम कर सकते हैं हम लोग ये 2 को हम लोग 108 के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो 108 इंटू 2 हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 2 और क्या बचेगा यहाँ पे राइट साइड में ये 2 तो यहाँ पे आ गया बचा क्या ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था सिर्फ वही बचा है यहाँ पे 95 प्लस मेजर ऑफ आर डी सी ओके ये कंप्लीट. नेक्स्ट स्टेप में 108 और 2 का जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर इसको मिटा करके लिख देता हूँ डायरेक्टली 216 आ जाएगा क्या आ जाएगा 216 ओके. नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है फाइनली आर्क डीसी का मेजर ढूंढना है तो 95 को भी 216 के साथ में सबट्रैक्ट कर दो सो देयरफॉर मैं लिखूंगा मेजर ऑफ आर्क डीसी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई 216 माइनस 95 ओके सो 216 माइनस 95 इसको आप लोग सबट्रैक्ट कर लो सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा आर्क डी सी मेजर ऑफ आर्क डी सी का यह आएगा इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 121 आ जाएगा ओके सो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर. आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है और इसमें आपके मार्क्स भी कट होने के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करो ओके. सो फ्रेंड्स हम लोग का ये जो प्रैक्टिस सेट भी है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है इसको हमने 2 पार्ट में हमने इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करवाया है. पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है पार्ट 2 भी अभी अपलोड हो जाएगा ओके. तो हमारे 3.4 तक फुल कंप्लीट हो जाएगा ओके. एंड आई होप अगर आप वीडियो पूरा अंत तक देखे रहेंगे तो प्लीज हमारे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी वीडियो हम लोग आपके लिए बनाते हैं आपके लिए मेहनत करते हैं सो डैट आपका जो मतलब जो कैरिकुलम है आपकी जो पढ़ाई है और भी आसान हो जाए ओके. तो हमारा ये छोटा सा एक प्रयास है इसमें आपका भी एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारे लिए हमारे चैनल के लिए बहुत बेटर होगा. चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड सी यू अगेन.